ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जमजम हॉल में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उर्दू और मराठी स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप चेक और कैश द्वारा दिया गया है। इस कार्यक्रम में जमीयतुल उलमा हिंद के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और मौलाना हफीजुल्लाह कासमी और मौलाना वहाब कासमी मौजूद थे। उर्दू और मराठी में पढ़ने वाले 83 बच्चे जो 85 अंक पाए हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप दिया गया है। इस दौरान क्या कुछ बताया गया है? ये प्रोग्राम उन बच्चों को उनकी तालीमी फ़ीस देने के लिए जो गरीब हैं, होनहार हैं, ज़हीन हैं, लेकिन उनके सरपरस्त और उनके वालिदैन स्कूलों की फ़ीस जमा नहीं कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको दुश्वारी होती है, उनके मदद के तौर पर आज उनकी फ़ीस देने के लिए प्रोग्राम रखा गया। आगे जिस तरह से यहाँ स्कूलों का जो माहौल है उर्दू स्कूलों को लेकर चल रहा है कि उर्दू स्कूलों की हालत ख़राब है, तो क्या आपकी तंजीमें उस सिलसिले में भी कुछ कदम उठा रही है? ये उर्दू ज़ुबान को फ़रोग हासिल हो और उर्दू मीडियम स्कूल ज़िंदा रहें, इसके लिए जमीयत उलमा ख़ास तौर से उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों की हिम्मत अफजाई करती है और उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करती है। मौलान साहब, आज जो यहाँ कार्यक्रम किया जाता है, तो इस कार्यक्रम में जो है तो कितने बच्चों को जो है आपके तरफ से चेक किया गया? ये तकरीबन 83 बच्चों को चेक दिया गया है, जो उनके साल की पूरी फ़ीस रहती है उर्दू मीडियम मराठी मीडियम के बच्चों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जमीयत उलमा देती है, तो 83 बच्चों को इस साल दिया गया है। बात ये भी सामने आ रही है कि आपने कहा है स्टेज से कि हमने किसी को बुलाया नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ कि किसी को आपने बुलाया नहीं, सिर्फ जो है बच्चों को जो देना था उन्हीं को बुलाए और जो शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको क्यों नहीं बुलाया? असल में ये प्रोग्राम ऐसा था, कोई तकरीर करने का या वाजू नसीहत करने का था नहीं, ये इन यहाँ पे बच्चों को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो आएँ जिन्होंने अपना फॉर्म जमा किया है, अपना चेक ले लें और उनको चेक देने में उनकी हौसला अफजाई हो, क्योंकि ये स्कॉलर बच्चे थे, तो शहर के मुअद्दिदीन को बुला लिया गया ताकि उनके हाथों से दिया जाए, ये बच्चे भी खुश हों कि हमको जो चेक मिला है वो बड़े आदमी के हाथ से मिला है। इसलिए जमीयत उलमा के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब को बुला लिया गया और हमारे पुलिस मुमरा पुलिस स्टेशन के एहलकार जनाब मुजावर साहब को बुलाया गया और शहर के थोड़े मुअज्जिदीन को बुला करके उनके हाथों से चेक दे दिया गया ताकि इन बच्चों को की हिम्मत और बढ़े और इनकी हिम्मत अफजाई हो। जमीयत उलमा हिंद औसा मुमरा की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में आज यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं और अच्छे नंबर्स लाते हैं उनके यानी हौसला अफजाई की गई है और उनको चेक्स वगैरह दिए गए हैं, आने वाले टर्म्स की फ़ीस वगैरह दी गई है। और पिछले 8 सालों से जमात इसके लिए काम कर रही है मुमरा शहर में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन लोगों ने मुझे मौका दिया और मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जमीयत ने जिस तरीके से तालीम के क्षेत्र में आज यहाँ शहर में काम शुरू किया है पिछले 8 सालों से करके, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से वो काम करते रहे। हम लोग सब यानी शहर के ज़िम्मेदारों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यानी वो इस काम को इस काम में इनका साथ दे और इसका तालीम के इस काम में इनकी मदद करें। वहीं जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से बताया गया है कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है जिसमें उर्दू और मराठी स्कूली बच्चों को जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, और हमारी ये भी कोशिश हमेशा रहेगी कि इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में काम जमीयत करते रहेगी और ज़रूरतमंद लोगों को स्कॉलरशिप जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से दी जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।